आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूँ ज़ुबैर यूसुफ़। उम्मीद करता हूँ वीवर्स आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौजूद सामीन, बजट 2023-2024 में सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया गया था। मैंने आपको टाइमली इस हवाले से वीडियो बनाकर भी इन्फॉर्म किया था। व्यूवर्स, इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो एडॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का ऐलान किया गया है, क्या ये अलाउंस रनिंग बेसिक पे प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इनिशियल बेसिक पे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानब से ये एडॉक अलाउंस इनिशियल बेसिक पे प्रोवाइड किया गया है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग की जानब से आज 4 जुलाई 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से इशू किया गया है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इस ऑफिस मेमोरेंडम के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इस ऑफिस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली कौन कौन से अलाउंसेज में इजाफा होगा और इसके साथ साथ आपकी तनख्वाह में कितना इंक्रीज होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कॉन्टेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मौजूद सामीन, आज जो ऑफिस मेमोरेंडम फाइनेंस डिवीजन की जानब से इशू किया गया है, इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एडॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का जिक्र किया जा रहा है। एडॉक रिलीफ 2023 BPS 1 से BPS 16 के मुलाजमीन को बेसिक पे का 35% प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह BPS 17 से लेके BPS 22 के ऑफिसर्स को ये अलाउंस बेसिक पे का 30% प्रोवाइड किया जाएगा। और व्यूअर्स, ये अलाउंस आपकी जो बेसिक पे 30 जून 2023 को होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इसका सिंपल सा फार्मूला है, आपको आपकी जो जून की पे स्लिप रिसीव हुई है उस पे जो आपकी बेसिक पे आ रही है उसका 35% और 30% आपने अपने ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। जो आपकी बेसिक पे 30 जून 2023 को होगी वो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद इस अलाउंस को इसी रेट पे फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद चाहे आपकी बेसिक पे में जितना मर्जी इजाफा हो जाए, इस अलाउंस के रेट में चेंज नहीं आएगा। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी पे स्लिप पे बेसिक पे के साथ साथ पर्सनल पे भी आ रही है, तो ऐसे मुलाजमीन बेसिक पे के साथ साथ पर्सनल पे को भी ऐड करेंगे और उस पर यह परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद व्यूअर, जो दूसरा अलाउंस है वो ऑर्डरली अलाउंस के रेट्स को रिवाइज किया गया है। इसका एग्जिस्टिंग रेट 17,500 रुपये था, जिसको अब बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। देन डेपुटेशन अलाउंस, जो कि बेसिक पे का 20% होता था और ये मैक्सिमम अमाउंट 12,000 होती थी, इसको भी रिवाइज किया गया है, जो कि बेसिक पे का 20% ही होगा लेकिन इसकी मैक्सिमम अमाउंट 20,000 रुपये होगी। इसी तरह स्पेशल अलाउंस ऑन एडिशनल चार्ज, इसकी मैक्सिमम अमाउंट को भी 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये महाना कर दिया गया है। देन स्पेशल अलाउंस ऑन एडिशनल चार्ज ऑफ नॉन आइडेंटिकल पोस्ट, ये बेसिक पे का 10%, जबकि मैक्सिमम 12,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता था, इसको अब 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये महाना कर दिया गया है। स्पेशल पे ऑन करंट चार्ज, जिसका रेट बेसिक पे का 20%, जबकि मैक्सिमम 12,000 था, इसको भी 12,000 से बढ़ाकर इसमें भी 8,000 रुपये का मजीद इजाफा किया गया है। देन यूअर्स, कन्वेंस अलाउंस टू डिसेबल एम्प्लाइज के रेट्स को भी रिवाइज कर दिया गया है। इस बजट से पहले डिसेबल एम्प्लाइज को कन्वेंस अलाउंस के जो नॉर्मल रेट्स हैं उनमें 2,000 रुपये इजाफी प्रोवाइड किए जा रहे थे, जबकि 1 जुलाई 2023 से इस 2,000 के रेट को रिवाइज करके 4,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब जो नॉर्मल कन्वेंस अलाउंस के रेट्स होंगे, डिसेबल एम्प्लाइज को इस कन्वेंस अलाउंस के साथ साथ 4,000 रुपये इजाफी भी दिए जाएंगे। देन वीवर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस को भी रिवाइज किया गया है। इसका एग्जिस्टिंग रेट 7,000 रुपये पर मंथ था, जिसको अब बढ़ाकर 32,000 रुपये महाना कर दिया गया है। वीवर्स, इससे पहले भी इस बजट में जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलान किए गए, इनसे जो आपकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा उसके हवाले से एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आपने यूट्यूब के सर्च बार में सिंपली मेरे चैनल का नाम लिखना है। यहां आपने जूबी सॉल्यूशंस पे क्लिक करना है। यहां पे व्यूअर्स आपको ये जो वीडियो शो हो रही है ये भी बजट 2023-2024 में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से, इसके अलावा आप यहां पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया गया है, एंड स्क्रीन और आई बटन पे भी ये वीडियो मेंशन है, यहां पे क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। जूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की हमारी ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग की जानब से रिसेंटली इशू किए जाने वाले ऑफिस मेमोरेंडम के हवाले से थी।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।